अब ना अभी हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, टर्म क्या थी कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 867 एंड 255 यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम। तो अब हमें क्लियरली समझ में आता था कि इसको डील करने के लिए हमें करना क्या होता है। हमें क्या करना होता है कि पहले बड़े वाले नंबर को यूक्लिड्स लेमा वाले फॉर्मूले के थ्रू छोटे नंबर के फॉर्म में क्लियर रिप्रेजेंट कराना होता है। मतलब 867 को हमें रिप्रेजेंट करवाना है इन टर्म्स ऑफ 255। तो क्या करें उसके लिए, आई वॉन्ट दिस टू हैपन, तो उसके लिए करोगे क्या, मतलब मैं कैसे सोचूं कि इसको लिखूं कैसे। तो उसके लिए क्यों ना एक काम करें कि एक्चुअली हम 867 को डायरेक्टली 255 से डिवाइड कर दें। जब हमने करा डिवाइड तो हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया 102, ये था डायरेक्टली जो डिविडेंड है। तो इस केस में हमें क्लेरिटी है कि जो 867 होता है ना उसको लिख सकते हैं 255 इंटू 3 प्लस 102। तो हमने इस 867 को 255 इंटू 3 प्लस 102 लिख लिया। तो जैसे ही हमने ये करा तो हमें क्लेरिटी है कि HCF के लिए हमें चाहिए क्या होता है कि डायरेक्टली यहाँ पे जो रिमाइंडर हो वो ज़ीरो आ जाए। तो वो तो अभी आया ही नहीं। तो अब हमने एक लॉजिक बिल्ड करा था, वो लॉजिक क्या था कि कभी अगर इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने को कहा जाए तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा जो कि इन दोनों नंबर्स का होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अभी तो हमारी पकड़ में आया नहीं, तो इन दोनों को पकड़ते हैं। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अब 255 को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 102। कैसे करेंगे, फिर से डिविजन, हमने अब एक्चुअली 255 को 102 से डिवाइड कर दिया। तो हमें टर्म क्या मिली, सिंपली रिमाइंडर इसका आ गया 51 और ऊपर कोशेंट आ गया 2। तो हमें क्लैरिटी है कि 255 कैन बी रिटेन एज 102 इंटू 2 प्लस 51, वो हमने लिख दिया। अब क्लियर है, अभी भी इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आया। तो अब हमने 102 और 51 को पकड़ना है। तो हमने 102 को लिखा, वो सिंपल था 51 इंटू 2 प्लस 0, ये अब बनी बात। अब रिमाइंडर इसका 0 आ गया, मतलब 102 और 51 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो इसका मतलब 51 है। तो जैसे ही हमने ये बात ऑब्टेन कर ली, 51 ही डायरेक्टली इन दोनों का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। बस हमने एंड में इस लाइन को मेंशन कर देना है कि 51 इज द HCF ऑफ 867 एंड 255। इसको बिल्कुल ऐसे ब्रेक करना था एंड आई होप कि अब बहुत बच्चे इसको खुद अपने आप खत्म कर सके होंगे। अब नेक्स्ट देखो, अभी ना हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, हमें गिवन था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो अब इस क्वेश्चन में ये 6q की वजह से सबसे पहले हमें क्लियरली दिखना चाहिए था कि इस क्वेश्चन को कहां से पकड़ें। तो क्लियरली हमें क्या करना चाहिए था कि यूक्लिड्स लेमा में जो a बराबर bq+r होता है उसमें अब की बार उस b को 6 पकड़ लें। तो क्लियरली हम लोगों ने वहीं से क्वेश्चन शुरू करा, हमने a को लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वो इस फॉर्मेट 6q+r में लिखा जा सकता है। पर अब की बार जो शर्त है वो ये कि जो ये r हो वो सिंपली 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। ये r कैसा होना चाहिए, 0 से 5 के बीच में। तो ये हमें नोन है क्लियरली 0 से 5 के बीच में। तो हमने r को 0, 1, 2, 3 सब डालना शुरू करा। अच्छा अब ना ये बात सोचो, यही बात ना हमें अदरवाइज वो पहले दिन के नंबर टेबल से भी आती है कि इन जनरल जो कोई भी नंबर होगा पूरे नंबर सिस्टम में वो या तो 6 का मल्टीपल होगा या 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या दो ज्यादा या 3 या 4 या 5। यही बात यूक्लिड्स लेमा बोल रहा होता है, पर हम लोग कॉपी में उसको ऐसे एक्सप्रेस करके दिखा देंगे। तो जब हमने ये लिखा तो हमें रियलाइज हुआ कि 6q+2 और 6q+4 तो तीनों बन गए इवन नंबर्स। क्यों, 6q इज डायरेक्टली एन इवन नंबर, इट इज क्लियर कि मल्टीप्लाइंग बाय 2, even plus even is even, तो इसलिए this number is also even, even plus 4 which is again an even number is even, तो ये भी एक even number है,
इवन प्लस ऑड कितना होगा, ऑड, इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करो तो कैसा आंसर आएगा, ऑड नंबर, तो ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, और ये मिला के रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे नंबर्स, तो कोई भी ऑड नंबर जो बचेगा, जो भी कोई ऑड नंबर बनेगा वो इन तीनों में से ही एक से बनेगा, और वही टारगेट था कि एनी ऑड इंटीजर वुड बी ऑफ दिस फॉर्म, तो क्लियरली हमें इसको ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, हमें गिवन है एनी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें क्या दिया गया कि 616 पर्संस आर टू मार्च बिहाइंड 32 मेंबर्स, तो क्वेश्चन क्या है कि 32 मेंबर्स के पीछे 616 लोगों ने मार्च करना है, तो मार्च तो क्लियर है, वो एक सिंगल कॉलम में भी कर सकते थे कि 32 लोग आगे चलें और पीछे 616 लोग चलें एक लाइन बना के, तो ये कॉलम कितने बनते, वन कॉलम बनता। देखो इन क्वेश्चंस में ना इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट दिस कि हम लोग ये सवाल कर लें, क्लियर है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हमें समझ में आए कि क्वेश्चंस को ब्रेक कैसे करा करें और क्यों वैसे ब्रेक करा करें। तो मेरे मन में आता है कि एक ही कॉलम बना लेते, पर हमें कहा गया कि मैक्सिमम कॉलम्स बनाओ, तो अब मैं क्या करूं, तो क्या मैं दो दो कॉलम्स बना सकता हूं, तो क्लियर है कि दो कॉलम्स कैसे बनाते, 616 को ब्रेक कर लेते 313 और 313 में, और 32 को ब्रेक कर लेते 16 और 16 में, बन सकते थे दो दो कॉलम्स भी, अगर मैं दो दो कॉलम्स बनाना चाहता तो बना सकता था, अब दोनों के पीछे ऐसे क्लियर लाइन बना के चल पड़ते सारे। अब मेरे मन में आता कि क्या मैं तीन तीन कॉलम बना सकता हूँ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि जो 32 है वो तीन में ब्रेक नहीं हो रहा, 616 भी थ्री में ब्रेक नहीं हो रहा, तो यहाँ से हिंट लगता कि मैं मैक्सिमम कॉलम्स बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाते, क्लियर है कि हम लोग वन कॉलम बना सकते थे, टू कॉलम भी बना सकते थे, थ्री नहीं बना पा रहे, फोर हम लोग चेक करते हैं एंड सो ऑन, तो एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, क्लियर, जितने उतने कॉलम्स बन सकते थे जितना कि एक्चुअली जो नंबर होता वो इसका भी फैक्टर होता और इसका भी फैक्टर होता, देखो टू दोनों का फैक्टर था इसलिए दोनों में क्लियर हम लोग डिवाइड कर पाए, थ्री दोनों का नहीं है, अगर एक का होता भी तो भी ऐसे ब्रेक ना कर पाते, फोर को देखा तो फोर इसका भी फैक्टर है, फोर उसका भी फैक्टर है, तो मैं फोर कॉलम्स में ब्रेक कर सकता हूँ इसको। तो अगर हमसे किसी ने कहा कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में जिसमें हम ब्रेक कर सकते हैं, हमें समझ में आता है कि वो वही होता जितना एक्चुअली इस नंबर और इस नंबर के बीच में आने वाला सबसे बड़ा फैक्टर होता। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन की सही लैंग्वेज क्या थी कि फाइंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू टर्म्स, तो उसको देखो बोला कैसे गया। अब बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को सोच, क्लियर, इस क्वेश्चन को देख के वो इसकी लैंग्वेज को ब्रेक नहीं करते, बुक्स में डायरेक्टली गिवन होता है कि इसका एचसीएफ फाइंड करा, इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट दिस कि एचसीएफ फाइंड करा, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि एचसीएफ फाइंड क्यों करेंगे, तो इस बात को समझो। तो क्लियर है, जैसे ही हमें ये पॉइंट समझ में आ जाए ना, उसके बाद क्लियर है एचसीएफ निकालना तो बहुत सिंपल काम है, 616 को हमें ब्रेक करना आता है उसके फैक्टर्स में, 32 को ब्रेक करना आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करते हैं, जितनी चीज़ें मैक्सिमम कॉमन आ सकती हैं कॉमन ले लेते हैं, वो ले ली हमने, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 32 हैं, इसमें भी 32 हैं, क्लियर, वो दोनों हमने कॉमन ले लिए, 7 और 11 इसमें है, इसमें नहीं, तो वो कॉमन नहीं आएगा, तो आंसर आ गया 8, मतलब मैक्सिमम जो कॉलम्स बन सकते थे देवर 8, क्लियर है, 8 कॉलम्स अगर बनते तो इसके हर एक में रो में 4-4 होते, नीचे क्लियर है वो भी 8 से डिवाइड करके इनके पीछे लाइन में लग जाते, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा क्योंकि ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, इसको ऐसे सोचते। तो इन क्वेश्चंस में ना एक बच्चे को कन्फ्यूजन ही ऐसे आती है कि कहाँ पे एलसीएम कहाँ पे एचसीएफ, तो वो कन्फ्यूजन इसलिए आती है क्योंकि एलसीएम एचसीएफ नाम की क्लैरिटी नहीं होती। तो इन क्वेश्चंस को ना बिल्कुल जोर लगा के खुद करके दिखाओ, अभी क्लियर है क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो कोशिश करो कि खुद से ब्रेक हो।